बनाना सिखाने वाली हूँ। मेरे फ्लावर्स स्कूल प्रोजेक्ट में बहुत काम आएंगे। आप देखिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। मैं स्टार्ट कर रही हूँ फूल बनाना। सबसे पहले हम एक लाल क्रेप पेपर लेंगे, उसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कैंची से पंखुड़ियां बनाएंगे। पंखुड़ियों के कुछ इस तरह, आप अलग अलग साइज के बनाना, छोटे बड़े। मैं नॉर्मल साइज के बना रही हूँ। चालू हम इस तरह फूलों की पंखुड़ियां काट लेंगे। फिर इसमें खोलकर अपने को फूल की पंखुड़ियां कुछ इस तरह मिल रही है। आप देखिए इस तरह पंखुड़ियां मिल गई है, पूरी तीनों साइज की पंखुड़ियां मुझे एक साथ ही मिल गई। फिर आप इन पंखुड़ियों को ऐसे, फिर हम इस पंखुड़ियों को इस तरह फोल्ड करेंगे क्योंकि डिजाइन आ सके पंखुड़ियों को। गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी सी फोल्ड हुई रहती है, इसलिए हम इस क्रेप पेपर के पंखुड़ियों को भी फोल्ड करेंगे। मैंने इस तरह बहुत सारी पंखुड़ियां काटी है, सब अलग अलग साइज में, और इनको सबको फोल्ड भी कर चुकी हूँ। अब हम एक तार लेंगे, कुछ इस तरह की तार है जो आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान में अवेलेबल हो सकती है। ये तार को मैंने कुछ इस साइज में काट ली हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास येलो क्रेप पेपर है, इसका हम थोड़ा सा येलो पीस काटेंगे और हम इसको फोल्ड कर इस तार से लपेटेंगे। और मैं यहाँ पर धागा यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारी पंखुड़ियाँ और फूल टाइट बने। मैं धागे से इसको फोल्ड कर रही हूँ। क्या हूँ मैंने पीला कलर, पीला क्रेप पेपर, अभी इसको लपेट दी हूँ धागे से। अब मैं इसमें से छोटी पंखुड़ियां लूंगी और एक एक करके धागे से बांधते जाऊंगी। पहले आप छोटी पंखुड़ियां लगाना। कुछ इस तरह आप लपेटते जाओगे छोटी छोटी पंखुड़ियों को। मैंने एक एक पंखुड़ी सब जोड़कर एक फूल अच्छे से फूल बनाया हुआ है। आप ध्यान रखें कि धागा टाइट बांधे कि ये ढीला ना हो सके। फिर हम इसकी डंडी बनाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन क्रेप पेपर ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स है, अब हम इससे डंडी जोड़ेंगे। पहले मैं ग्रीन कलर, यहाँ पर मैंने ग्रीन स्ट्रिप को ग्लू लगाई हूँ, पूरे इसमें ग्लू लगाएंगे।
और आया है। अब मैं यहाँ से धागा जहाँ से है वहां से मैं इसको लपेटना स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा ग्लू लगाइए अच्छी तरह से, फिर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ लेते जाएंगे बना। रिटर्न से हम यहाँ से इसको गोल गोल राउंड करते रहेंगे स्ट्रिप को। वन टू थ्री स्टार्ट। अब मैंने इसको ग्रीन कलर पूरा लगा दिया और बची हुई तार को काटूंगी। बची हुई तार को मैंने काट दी हूँ। फिर हमारे पास एक ग्रीन कलर का क्रेप पेपर है, हम इससे पत्ती बनाएंगे। गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल में तो पत्ती चाहिए ही पत्ते, तो आप इस तरह से पत्ते बना लीजिए। पत्ती हमने बना ली है, अब इसको हम नीचे ग्लू लगाएंगे और हम डंडी को ऐसे लपेट कर लगा देंगे। देखिए ताकि ये मजबूत रहे। देखिए हमारा फूल बन चुका है। इसी तरह हम बहुत सारे फूल बनाकर गुलदस्ता बना सकते हैं। कीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह और एक फूल बनाए और दोनों फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप इसी तरह और भी फूल बनाकर एक गुलदस्ता तैयार कर सकते हैं, या फिर पिंक और येलो कलर के भी फूल। इस फूल में आप येलो पिंक कलर और येलो कलर के भी फूल बना सकते हैं और अपने वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। इस तरह हम ये कमल का फूल भी बना सकते हैं। ये कमल का फूल बनाना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ उसी तरह पंखुड़ी काटने की है और दूर दूर लगाने की है। हाँ, अब मैं अगले वीडियो में आपको गुलदस्ता बनाऊंगी वेस्ट मटेरियल से और आप उसमें ये सब फूल रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।